न्यूटन स्कूल के बारे में, तो आप लोगों को जिनको नहीं पता है न्यूटन स्कूल के बारे में, तो यार ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रिपेयर करती है फॉर योर कैरियर इन टेक, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो। बट आप क्या है, मतलब क्या है कि आजकल बहुत सारे एक्चुअली में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको जॉब दिलाने हेल्प करते हैं, बट न्यूटन न्यूटन से अलग कैसे यार? अगर आपको जैसे सपोज यू आर स्टूडेंट और यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और यू आर वुमेन विथ नो कोडिंग बैकग्राउंड, तो आपको कोडिंग सीखनी है और आपको एक टेक फील्ड में जॉब लेनी है आफ्टर कॉलेज कॉलेज कंप्लीट, और आपको अपनी जॉब स्विच करनी है, तो उस टाइम पे आप न्यूटन स्कूल कैसे बेस्ट है? आपको क्या, जब आप न्यूटन स्कूल में अप्लाई करोगे तो यू डोंट हैव टू पे एनी मनी इन द स्टार्टिंग। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है एंड आपकी जब जॉब लगी उसके बाद आपको पे करना है, एंड बाकी के सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आपको एक बार आप चेकआउट करें न्यूटन स्कूल के बारे में, एंड ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो मैं आपको इसको ये लिंक ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पे न्यूटन स्कूल काफी सारा कॉन्टेस्ट कराते रहते हैं ये लोग, कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ था इनका हाल फिलहाल में, जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों ने आई थिंक 50 के प्लस इन्होंने इनके पार्टिसिपेंट थे उस कॉन्टेस्ट में। तो अगर आपने मिस आउट कर दिया तो कोई बात नहीं, आगे भी जब अगर कोई कॉन्टेस्ट कल आता है तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया करूंगा वीडियो वीडियो के थ्रू, ठीक है? तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर न्यूटन स्कूल के बारे में कि क्या है कैसे कर, आई थिंक मैंने आपको बता ही भी दिया कि अगर आपको जॉब लेनी है बट यू डोंट हैव टू पे यू डोंट हैव मनी इन द स्टार्टिंग, अगर आप क्या करो आप जॉब ले लो, फिर आपके पास आप क्या करना आपके जॉब लेने के बाद आप उसके बाद पे कर सकते हो इनको, ठीक है? एंड ये तो रहा, एंड आपको सपोज कि इनके बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, अगर आपको उनमें पार्ट लेना है तो मैं आपको लिंक दे दिया करूंगा, जब भी कोई इससे पहले हो चुका है एक बार, एंड अगर इसके बाद अगर कोई आता तो मैं क्या करूंगा आपको अपडेट कर दूंगा, एंड मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो ठीक, इसमें हम देखने वाले क्वेश्चन थ्री का, तो काफी मीडियम में क्वेश्चन है एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी कोडिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिकली, एक बार क्वेश्चन देखते हैं समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है बेसिकली, क्या कहा गया है एंड हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है? तो वो देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या करना है हमें, तो ठीक है यहाँ देख लेते हैं। ओके जस्ट गिव मी सेकंड। तो हमें ना गिवन रूट, हमें एक बाइनरी दिया गया है एंड रिटर्न द सेम ट्री वेयर एवरी सब ट्री ऑफ द गिवन ट्री नॉट कंटेनिंग वन हैज बीन रिमूव्ड। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमें एक बाइनरी दिया गया, जैसे ये देखो ये 1 0 0 1, ये हमारा बाइनरी है, ठीक है? अब हमें ऐसा ट्री रिमूव करना है, हमें ऐसा ट्री रिमूव करना है जो कि वन कंटेन नहीं करता है। मतलब क्या, इस ट्री में ना दो ही वैल्यूज है, 1 होगी या फिर 0 होगी, ये ऐसा लिखा है, ठीक है? ऐसा है, इस ट्री में दो ही वैल्यूज होंगी, 0 होगी या फिर 1 होगी, एंड हमें ऐसा सब ट्री रिमूव करना है जहाँ पे वन जो कि दो ट्री वन वन कंटेन नहीं करती है। अब हमें ऐसा, देखो मैं समझाता हूँ, क्या बोलूँ, फिर से समझाता हूँ। सपोज हमें ऐसा ट्री गिवन है 1 0 0 1, अब ये क्या बोल रहा है, अब हमें ये बाइनरी हम बोल रहा है, अब ये हमें ट्री गिवन है, गिवन ट्री, अब हमें क्या बोला गया, हमें ये बोला कि अभी हमें ये क्या आ गया, अब ये तो आपको ट्री गिवन है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब भाई तू ये काम कर कि अब तू ना अपने पूरी पूरी ट्री के पूरे ट्री में देख, उसमें ऐसा अगर उसमें कोई ऐसा ऐसा सब ट्री है जो कि वन कंटेन नहीं करता है, उस सब ट्री को रिमूव कर दो और उसके बाद जो ट्री बचता है ना मुझे वो दो, ठीक है? ये तो हमारा गिवन ट्री है। अब देखते हैं और ट्री आफ्टर रिमूविंग सब ट्री दैट विल नॉट, दैट इज दैट डजंट कंटेन्स वन। देखो जैसे ये सब ट्री है, एक तो खुद रूट सब ट्री है वन कंटेन करता है, 0 0 0 है, लेकिन 0 0 सब ट्री है, लेकिन 0 के सब ट्री में उसका लेफ्ट साइड राइट साइड भी तो है, 0 है ये 1 है। अब देखो ये 0 खुद भी सब ट्री है ना, लेकिन इसका लेफ्ट चाइल्ड 1 है, ना इसका राइट चाइल्ड 1 है, ना ही खुद ये 1 है, तो इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, इसको हमने हटा दिया यहाँ से, हटा दिया। अब देखो इसके बाद ट्री बचता है, देखो ये सब ट्री, ये 1 है सब ट्री है, 1 एक सब ट्री है, इसका ना ही लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है, बट खुद एक सब ट्री तो है ना, इसके इसके रूट की वैल्यू 1 है, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये 0 0 0 खुद तो 1 नहीं है, बट इसका इसका लेफ्ट चाइल्ड 1 नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, बट इसका राइट चाइल्ड 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया 1 1, तो खुद एक 1 है, तो देखो हमारा ट्री क्या हो गया, 0 1, ये हमारा आंसर होगा। देखो आप यही आंसर है हमारा, ये वाला देखो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ये है ना, इस वाले एग्जाम्पल के हमारा ये आंसर ये आ रहा है, ये ट्री आ रहा है, ठीक है? कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, जैसे ये देखते हैं एक बार, जैसे देखो 1 0 0 0, यहाँ पर देखो इस पूरे सब ट्री में, इस पूरे सब ट्री में कोई भी 1 नहीं है, तो हमें ये पूरा सब ट्री रिमूव करना पड़ेगा, हमें इसको रिमूव कर दिया पूरा, इधर आओ 1 है ये सब ट्री में, इसमें 1 है, बट ये 0 0 भी तो एक सब ट्री है, इसमें 1 है क्या, नहीं इसमें 1 नहीं, इसको इसको रिमूव कर दो, आप क्या ये जीरो बच गए। देखो आपको ये आंसर है ये यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे ये भी ठीक है। आपको लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल है क्या, हाँ जी लास्ट एग्जाम्पल, यहाँ देखिए
यहाँ पे वन है, वन है, वन है, जीरो है, इसको रिमूव कर दो, कोई दिखाता इसको, वहां पे चलो, वापस चलो, वन है, वन है, वन है, वन है, जीरो है, कोई बात नहीं, लेफ्ट लेके लेते हैं, लेफ्ट राइट जीरो है यार, इसको रिमूव कर दो, रिमूव कर दिया, वापस चलो, क्या वन है, हाँ मिल गया वन, वापस चलो, वापस चलो, देखो इसको आपने सिर्फ ये दोनों रिमूव किए, दोनों नोट रिमूव किए, लेटर बच गया आपके पास, बस हो गया। बट चलो इसको कोड करते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अपना नॉर्मल जो बेस केस आपका होता है बेस केस लगा लो यहाँ पे, इफ रूट, और इसको हम ना इस क्वेश्चन को पोस्ट ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, अगर प्री ऑर्डर में अगर सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन हमने क्या किया कर दिया, प्री ऑर्डर में सॉल्व कर दिया, जैसे हुआ क्या तो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना सब कुछ हम यहाँ पे आए, एग्जाम्पल लिखते हुए दूसरा था, हाँ जी ये देखते हैं हमने अगर क्या किया, प्री ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, देखा कि वन है, वन है, ठीक है, वन है सर, ठीक है, वन है, ठीक है, जीरो है, रिमूव कर दो, फिर वापस गए, वापस गए, वापस गए, वापस गए, जीरो, हमने जैसे प्री ऑर्डर, क्योंकि हम प्री ऑर्डर में आ रहे हैं अभी, प्री ऑर्डर में जैसे देखा जीरो है ना, हम इसको रिमूव कर देंगे, हम इसके लेफ्ट साइड राइट साइड में जा ही नहीं पाए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्री ऑर्डर में चेक कर रहे हैं, तो हम इसके अगर प्री ऑर्डर में चेक करने से क्या दिक्कत है कि हम कुछ एक्स्ट्रा नोट भी कुछ एक्स्ट्रा नोट्स में डिलीट कर देंगे, बट हमें कुछ एक्स्ट्रा नोट डिलीट करने ही नहीं है भाई, हमें हमें वो नोट डिलीट नहीं करने हैं, इसलिए हम सेफ सेफ प्ले करेंगे यहाँ पे, एंड हम पोस्ट ऑर्डर में चेक कर लेंगे यहाँ पे, पहले इस नोट को लास्ट लास्ट चेक करते निकलेंगे, ठीक है, तो हम यही करेंगे यहाँ पे, तो चलते हैं कोड करते हैं सबसे पहले इसको, अगर आपका रूट ही नल है तो रिटर्न रूट कर दो यहाँ से, और क्या करो नोट्स के लेफ्ट से जो वैल्यू आ रही है सबसे पहले अपना वो लिख लो, कोड लिख लो, अगर रूट टल रूट का रूट डॉट लेफ्ट नल है एंड रूट का राइट भी नल है एंड रूट की वैल्यू अगर जीरो है तो रिटर्न कर दो नल, यहां से इसको रिमूव कर दो, एंड ये रिमूव तो क्या कर दिया आपने, अब इसके नेक्स्ट में क्या करना है, नल जो नल जा रहा है उसको डायरेक्ट तो करना है वहां पे, तो रूट के लेफ्ट से कॉल लगा दो, कौन सा ही मतलब इसे कॉल कर दो, प्रून ट्री को रूट के लेफ्ट पे और नोड के राइट से कॉल लगा दो किसी को रूट के राइट पे, ठीक है, अब देखते हैं, और यहां कंट्रोल रूट कर दिया आपने, इसको सबमिट कर देते, रन करके देखते हैं कोड चलता है कि नहीं, ओके वी कांट फाइंड सिंबल नोड, अच्छा रूट है ना हमारा, ये तो रूट है, हमने यहाँ पे नोड लिख दिया है, दैट इज वर्किंग फाइन, लेट चेक ऑन द सैंपल टेस्ट इज फर्स्ट, ओके ठीक है, हाँ जी कर रहा है, सबमिट कर देते हैं इसको, सबमिट ठीक है, आई होप समझ में आएगा, थैंक यू सो मच।